गाइस, आपके भी नेम से इस स्नैपचैट पर किसी ने फेक अकाउंट बना लिया है और उसी फेक अकाउंट पे आपकी फ़ोटो स्टोरी बार बार वो लगा रहा है। और ऐसे कंडीशन में गाइस, आपको उस अकाउंट को डिलीट कराना है इस स्नैपचैट अकाउंट से, क्योंकि गाइस आपके नेम से फेक अकाउंट बना है, आप उसे डिलीट कराना चाहते हो। तो आप कैसे डिलीट करा सकते हो, आइए आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको सिखाता हूँ। तो चलते हैं, मेरे टाइम को वेस्ट किए गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं भैया आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फ़ोन में यहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको अपने उस अकाउंट पे चले जाना है जो आपका फेक अकाउंट बनाया गया है। ऐसी कंडीशन गाइस यहाँ पे मेरे फ्रेंड का एक फेक अकाउंट बनाया गया है जो कि मुझे डिलीट कराना है। तो मैं कैसे डिलीट कराऊँगा, आइए आज के इस वीडियो में आपको सिखाते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पर वो अकाउंट है जो कि फेक बनाया गया है, तो सिंपली गाइस इस अकाउंट पर मैं क्लिक कर लूँगा। आप भी उस अकाउंट पर क्लिक कर लीजिएगा जो फेक अकाउंट बनाया गया है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको इनके प्रोफाइल पे आपको देन क्लिक कर देना है, और जैसे आप इनके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर करने का ऑप्शन आ जाता है, तो शेयर वाले बटन पे आपको देन क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे गाइस क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे URL लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आता है, देन गाइस आपको यहाँ पे देन क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉपी हो चुका है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे कॉपी होने के बाद आपको सीधा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको करने का है, आपको यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेना है स्नैपचैट सपोर्ट। जैसे गाइस यहाँ पे आप सर्च कर लोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी स्नैपचैट सपोर्ट का। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पे देन क्लिक कर देना है, और जैसे गाइस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे आपको देन क्लिक करना है, एंड गाइस यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कंडीशन गाइस मुझे हिंदी में बताना पड़ेगा जिससे सभी लोग समझ पाए, तो सिंपली गाइस यहाँ पे मैंने हिंदी कर दिया है। और यहाँ पे लिखा आपको देखने के लिए मिल रहा है हमसे संपर्क करें, तो गाइस यहाँ पे देन आपको क्लिक कर देना है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। होने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक फॉर्म आ जाता है जो कि यहाँ पे कई सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको आपको अपने ऑप्शन पे चूज करते जाना है और आपकी यहाँ पे फेक अकाउंट स्नैपचैट पे जो बना है डिलीट हो जाएगा। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सिंपली गाइस आपको करने का है, आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो देखने के लिए मिल रहा है आपको तीसरे वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। और यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा यहाँ पे पेज ओपन हो जाए, पहले वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप पहले वाले ऑप्शन पे देन क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है, एंड गाइस यहाँ पे आपको लास्ट वाले ऑप्शन यानी कि चौथे वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। जैसे आप यहां पे चौथे वाले ऑप्शन पे देन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आप इसे ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन गाइस यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अभी आपको मदद की ज़रूरत है कि नहीं, तो यहाँ पे मदद की अभी ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन है मैंने चूज़ किया, जो जो मेरे प्रॉब्लम थी मैंने बताया ऊपर। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको एक सेटिंग यहाँ पे हाँ करने का ऑप्शन आ जाता है, तो हाँ वाले ऑप्शन पे देन क्लिक कर देना है, तो आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, इस बॉक्स में आपको सिंपली बता देना है मेरा स्नैपचैट पे एक फेक अकाउंट बन गया है, मुझे डिलीट कराना है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे उसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, योर फुल नेम, जो कि आपके नेम से जो स्नैपचैट पे फेक अकाउंट बनाया गया है उसका फुल नेम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ईमेल आईडी का, तो आपको यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देनी है। अगर यहाँ पे आपको स्नैपचैट जो सपोर्ट यहाँ पे टीम है, अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी ये फॉर्म में तो वो आपको ईमेल करेंगे, इससे आपको मेल कर पाएंगे और जो दिक्कत होगी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्नैपचैट जो सपोर्ट है वो आपको मेल करती हैं, तो सिंपली गाइस ईमेल आईडी देना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो सिंपली गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे उस फेक अकाउंट का जो यूजर नेम है यहाँ पे आपको दिन इंटर कर देना है। दोनों में आपको यहाँ पे फेक अकाउंट जो बना है उसका यूजर नेम इंटर कर देना है। और जैसे यूजर नेम इंटर कर दोगे उसके बाद नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद आपको अपने यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देना है जो कि ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद आपको नीचे आना है।
नीचे आने के बाद अगर स्नैपचैट से आपको कोई भी क्वेश्चन और है तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो, और यहाँ पे नहीं लिखोगे वो भी चलेगा। और गाइस आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, आपको यहाँ पे बता देना है कि मेरा फेक अकाउंट बना है और उस पर मेरी फ़ोटो यहाँ पे स्टोरी लगाई जा रही है, और जो हमें जानते हैं उनके पास भी मैसेज किया जा रहा है मेरे स्नैपचैट आईडी से, लोग हमको समझ रहे हैं लेकिन मेरी फेक अकाउंट से मैसेज उनको जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जल्द से जल्द हमारी स्नैपचैट पर जो फेक अकाउंट बनी है उसे आप डिलीट कराने में मेरी हेल्प करें। तो सिंपली इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आता है, तो सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बना है उसका वहाँ पे जांच होगा, जांच होने के बाद वो फेक अकाउंट बनता है तो फेक अकाउंट आपकी डिलीट कर दी जाएगी। अगर कोई भी उसमें दिक्कत आती है जो आप जीमेल अकाउंट यहाँ पे दिए हैं उसी जीमेल अकाउंट पे वो आपको मेल करेंगे या जो नंबर दिए हैं उस पर वो मैसेज करेंगे, तो आप उन्हें अपना पूरा सब कुछ प्रॉब्लम बताइएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, जैसे मैंने एक बार बताया आप वीडियो देख के करिए, हो जाएगा। सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही छोटे देखने और पाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।